लक बाय चांस एपिसोड 186 गोलमटोल। आकाश का रिद्धि के साथ बर्ताव वरुण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे सबक सिखाने का ये मौका नहीं छोड़ता। आकाश के जाने के बाद रिद्धि वरुण को अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसके पापा के बिजनेस के लॉस की भरपाई करने के लिए उसे आकाश से शादी करने के लिए हाँ कहना पड़ा। वरुण की दिल्ली से मुंबई वापस आने के बाद रिद्धि के पापा के बिजनेस में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वरुण को बचाने के लिए रिद्धि अपने चचेरे भाई विक्रम के खिलाफ चली गई थी। रिद्धि के पापा के बिजनेस में विक्रम और उसके पापा ने काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन जब विक्रम को रिद्धि की वजह से वरुण के मामले में मुंह की खानी पड़ी तो उसने इसका बदला लेने के लिए रिद्धि के पापा की कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया और साथ ही अपने पापा से भी ऐसा करवाने में कामयाब हो गया। पहले ही रिद्धि की फैमिली और विक्रम की फैमिली के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि रिद्धि के पापा का बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा था इसीलिए बिजनेस का रिश्ता अच्छा चल रहा था। लेकिन जब विक्रम ने उसमें भी फूट डाल दी थी तो रिद्धि के पापा के लाख पूछने पर भी विक्रम ने इन्वेस्टमेंट वापस लेने का कारण नहीं बताया और इस तरह रातों रात उनकी कंपनी घाटे में चली गई। कंपनी के फंड्स में इतने भी पैसे नहीं थे कि एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी तक दी जा सके, इसीलिए कंपनी को दिवालिया घोषित होने से बचाने के लिए ये जरूरी था कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। इस दौरान रिद्धि और वरुण काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और ये बात रिद्धि के दोस्तों को भी पता थी क्योंकि दोनों एक दूसरे को अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मेंशन किया करते थे। रिद्धि को जब अपने बिजनेस की बिगड़ती हालत के बारे में पता चला तो उसने अपने पापा से पूछा कि क्या किसी तरह वो उनकी मदद कर सकती है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो खुद सब कुछ संभाल लेंगे, रिद्धि को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान रिद्धि को लगातार अपने बिजनेस और अपने पापा की चिंता लगी रहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके पापा की मदद हो जाए। एक दिन अचानक वो एक नोटपैड लेकर बैठ गई और अपनी हर उस चीज की लिस्ट बनाने लगी जिसे बेचकर उसके पास कुछ पैसे आ जाए और वो अपने पापा की मदद कर सके। लिस्ट में अभी तक रिद्धि की शानदार कार्स, बाइक्स, लिमिटेड एडिशन के जूते, अपनी माँ का छोड़ा हुआ डायमंड नेकलेस और ज्वेलरीज, एक पॉप आर्टिस्ट की खरीदी हुई महंगी पेंटिंग और भी बहुत सी छोटी बड़ी चीजें थी, लेकिन अभी भी उसे उतने पैसे मिलते नहीं दिख रहे थे जिससे उसके पापा की 1% भी हेल्प हो जाए। और अपने बिस्तर पर झुंझला कर कूदते हुए उसने खुद से कहा, जब इन चीजों को खरीदा था तब तो कितनी महंगी लग रही थी, लेकिन अब इनके दाम इतने कम कैसे हो गए? 2.5-3 करोड़ में क्या होने वाला है कंपनी का? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिद्धि अपने कमरे में अकेले परेशान हो रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर आहट हुई थी और सर्वेंट ने उसे बाहर आने के लिए कहा क्योंकि उसके पापा उसे बुला रहे थे। रिद्धि को लगा था कि शायद पापा को उससे कुछ बात करनी होगी इसीलिए बुला रहे हैं, लेकिन जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा दिखा जो पहली नजर में रिद्धि को उसके पापा का दोस्त लगा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो आकाश शाह है और रिद्धि से शादी करने के इरादे से यहाँ आया है। शादी का ख्याल दूर दूर तक रिद्धि के जहन में नहीं था और वो ये सोचकर हैरान थी कि उसके पापा ने आकाश के इरादे जाने के बाद भी उसे अपने घर में कैसे बिठा रखा है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उसका बिजनेस लॉस में चल रहा है और शायद पापा की हेल्प करने के बदले में आकाश रिद्धि से शादी करना चाहता है। रिद्धि का अंदाजा बिल्कुल सही था। रिद्धि के पापा उसे आकाश से बात करने के लिए एक फोन कॉल का बहाना करके बाहर चले गए और उनके जाते ही आकाश झट से आकर रिद्धि के पास बैठ गया। पहले तो आकाश ने रिद्धि का चेहरा जबरदस्ती अपनी तरफ घुमाकर उसे अच्छी तरह देखा और फिर बोला, मैंने सुना है तुम्हारी जुबान और तुम्हारे हाथ पैर बहुत चलते हैं। कोई बात नहीं, वो तो 1 महीने में ठीक कर दूंगा। रिद्धि आकाश की इस बेतुकी बात का कोई जवाब नहीं देती और आकाश उसकी गर्दन से लेकर बाजुओं तक पे अपनी उंगलियां फेरता हुआ कहता है, क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं? वैसे मेरे सामने तुम जितना कम बोलो उतना अच्छा है, क्योंकि तुम्हें बस सच सवर कर एक गुड़िया की तरह मेरे घर में बैठना है बिना कुछ बोले, और बाकी कामों के लिए मेरे पास दूसरी लड़कियां हैं ही, वैसे पैसे हो तो क्या नहीं हो सकता, तुम जैसी शेरनी को भी बिल्ली बनाया जा सकता है। ये कहने के बाद आकाश एक जोरदार ठहाका लगाता है और उसकी पी हुई शराब की गंध रिद्धि के नाक तक पहुंचती है। आकाश शाह बिल्कुल उसी तरह का आदमी था जैसे आदमियों से रिद्धि को नफरत थी।
लेकिन फिर भी ना वो इस मामले में अब कुछ कह सकती थी और ना ही कर सकती थी, क्योंकि वो अपने पापा से इतना प्यार करती थी कि आकाश से शादी करना तो बहुत छोटी बात थी, वो उनके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। रिद्धि के पास अब और कोई चॉइस नहीं थी और देखते ही देखते एक छोटे से फैमिली फंक्शन में रिद्धि और आकाश की सगाई हो गई। सगाई होने के बाद जब रिद्धि के दोस्तों को पूरी बात पता चली तो उन्हें रिद्धि के लिए बहुत बुरा लगा और उन्होंने हर तरह से उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रिद्धि ने उन सबको ये कहकर चुप करा दिया कि पापा को दुखी देखने से अच्छा होगा कि वो मर जाए और आकाश से शादी करना अगर उन्हें खुश करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में रिद्धि के फ्रेंड्स उसे वरुण से हेल्प लेने की बात भी कहते हैं, क्योंकि अब तक वो सब जान चुके थे कि वो कितना अच्छा आदमी है, लेकिन रिद्धि वरुण से अपनी दोस्ती का फायदा उठाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने उसके लिए भी मना कर दिया। उसने अपनी किस्मत से समझौता करने की ठान ली थी, लेकिन रिद्धि की बेस्ट फ्रेंड से उसको इस तरह अपनी बर्बादी की राह पर चलते हुए देखा नहीं गया और उसने रिद्धि के फोन से वरुण का नंबर लेकर उसे कॉल कर दिया। रिद्धि की बेस्ट फ्रेंड के वरुण को कॉल करने का जो असर था वो आज मुंबई में दिख रहा था। एक हफ्ते बाद रिद्धि और आकाश की शादी थी, इसीलिए रिद्धि आकाश के कहने पर मुंबई शॉपिंग करने के लिए आई थी और उसी दौरान इस वक्त रेस्टोरेंट में उसकी वरुण से मुलाकात चल रही थी, जब आकाश क्लब में आज शाम ही मिली दो लड़कियों के साथ वहां आ पहुंचा। आकाश को देखकर जिस तरह से रिद्धि के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उसके बाद वरुण को सिचुएशन का अंदाजा लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी। वरुण ये जान गया था कि आकाश के साथ रिश्ते में बनना उसकी मजबूरी थी, लेकिन वो मजबूरी क्या थी वो उसे पता नहीं था। फिर भी वरुण ने सिचुएशन को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब आकाश रिद्धि पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा तो वरुण से ये देखा नहीं गया और उसने बीच में आकर आकाश का हाथ पकड़ लिया। अब पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसरा हुआ था और वरुण ने आकाश का हाथ हवा में पकड़ रखा था। वरुण की हिम्मत देखकर आकाश के साथ आई दोनों लड़कियों ने हैरानी के साथ अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए थे और रिद्धि अभी भी अपनी आंखें बंद किए आकाश के थप्पड़ का अपने गाल पे पड़ने का इंतजार कर रही थी। लेकिन कुछ सेकंड्स में जब उसे कोई हलचल होती हुई दिखाई नहीं दी तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। आकाश का हाथ पकड़ने के बाद वरुण ने उसे पीछे धक्का दिया, लेकिन इस हल्के से झटके को भी आकाश का गोल मटोल शरीर संभाल नहीं पाया और वो दो कदम पीछे जाने के बाद अपनी दो हसीनाओं से टकरा कर उनके साथ नीचे गिर गया। आकाश का दो लड़कियों के साथ गिरना इतना मजाकिया था कि वरुण और रिद्धि दोनों ही खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। रिद्धि और वरुण को हंसते हुए देखकर आकाश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन जब उसने जमीन से उठकर वरुण पर पलटवार करने की कोशिश की तो वो वापस वहीं गिर गया, जिसे देखने के बाद अब वरुण और रिद्धि के साथ वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी हंसने लगे। ये देखकर आकाश ने जमीन पर बैठे हुए ही रिद्धि की तरफ देखकर कहा, अभी जितना हंसना है हंस लो रिद्धि, लेकिन कल जब तुम अपने पाप की बर्बादी अपनी आंखों से देखोगी तो तुम्हें इतना ही रोना भी पड़ेगा। याद रखना, आज भले तुम इस आदमी के दम पे उछल रही हो, लेकिन तुम्हें वापस मेरे ही पास आना पड़ेगा, वो भी रोते गिड़गिड़ाते हुए। वरुण को आकाश की पूरी बात समझ में नहीं आती, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए बस इतना जानना काफी था कि आकाश रिद्धि के लिए एक अच्छा आदमी नहीं है। इसीलिए उसने पास ही खड़े दो वेटर्स को आकाश को बाहर का रास्ता दिखाने का इशारा किया। रेस्टोरेंट से बाहर जाते हुए भी आकाश लगातार वरुण और रिद्धि के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन उन दोनों का उस पर ध्यान नहीं था और अपनी टेबल पर वापस बैठते ही वरुण ने सबसे पहले रिद्धि से पूछा, अब तुम बताओगी कि ये सब क्या तमाशा था? तुम कैसे जानती हो आकाशा को और उससे तुम्हारी शादी कब तय हुई? तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? अब रिद्धि के पास वरुण से छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए उसने वरुण को पूरी कहानी बता दी, जिसके बाद वरुण ने उससे नाराज होते हुए कहा, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो रिद्धि? तुम्हें पता था कि आकाश कैसा आदमी है, फिर भी तुमने अपने पापा को समझाने की कोशिश नहीं की। और वो कैसे पिता है जिन्होंने अपना बिजनेस बचाने के लिए अपनी बेटी को एक जल्लाद के हाथों बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? रिद्धि कुछ भी सुन सकती थी, लेकिन अपने पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं, इसीलिए वो गुस्से में अपनी जगह से उठ गई और ये देखकर वरुण ने खुद को शांत कर रिद्धि का हाथ पकड़ उसे उसकी जगह पर बिठाते हुए कहा,
अच्छा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे पता है तुम्हें मुझसे मदद मांगना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं खुद तुम्हारी मदद करने के लिए कह रहा हूँ। वैसे भी मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ करूँ। अब तुम्हारी कंपनी मिल गई है तो अच्छी बात है। तुम बताओ, तुम्हारे पापा को कंपनी बचाने के लिए कितने क्रोस की जरूरत है? वरुण का सवाल सुनने के बाद रिद्धि एक झटके से वरुण की तरफ देखती हुई उससे कहती है, तुम करोड़ों देने की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ हजार हो। अभी अपना वॉलेट निकालोगे और करोड़ों के नोट मेरे सामने रख दोगे। रिद्धि को इस तरह झुंझलाते हुए देखकर वरुण को हंसी आ जाती है और वो कहता है, तुम कुछ ऐसा ही समझ लो। और इससे पहले कि रिद्धि वरुण की इस हंसी का जवाब दे पाती, उसका फोन बज जाता है। रिद्धि का फोन टेबल पर रखा था और वरुण साफ देख सकता था कि रिद्धि के पापा का कॉल है। रिद्धि फोन उठाने से पहले एक नजर वरुण को देखती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसके पापा क्या कहने वाले हैं, और इसी वजह से फोन उठाते हुए थोड़ा हिचकिचाती है। क्या रिद्धि ले लेगी वरुण की मदद, और इसके लिए क्या होगा रिद्धि के पापा का रिएक्शन? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।